Hey guys, welcome back to my channel and this is Urvashi and आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपने US इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है किसी भी कंपनी के साथ, उसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि वो किस प्रोडक्ट्स में या फिर किस सर्विसेज में डील करते हैं और उनके स्पेसिफिक नीड्स कैसे आपके स्किल्स के साथ अलाइन करते हैं, जिससे कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ इंटरव्यू के टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके सर्विसेज के बारे में आपको पता लगाना है कि वो किस चीज़ में डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च योर कंपनी, जिससे कि आपको उसका बेटर आइडिया मिल सके। सेकेंड, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक वेल ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें कि आपके सारे डिज़ाइंस के स्टडीज़ होंगे जो कि आपका थॉट प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करते हों, क्योंकि रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं कि कैसे आप किसी UX प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो उस हिसाब से होना चाहिए जो कि आपका थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करे रिक्रूटर को और ये बताए कि आपकी डिज़ाइंस का या फिर आपके केस स्टडीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूज़र ऑफ बिजनेस गोल्स। तो सेकेंड हो गया कि आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपकी सारे UX वर्क हो और जो आपका थॉट प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। नाउ हम थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको UX प्रोसेस को समझना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे आपको US प्रोसेस के सारे स्टेप्स आने चाहिए, जिससे कि अगर रिक्रूटर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ सारे फेसेस, रिसर्च, आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, एंड कैसे आप उनको यूज़ करके किसी UX प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो थर्ड हो गया कि आपको अपना UX प्रोसेस अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। मींस ऐसा हो सकता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कोई वो प्रॉब्लम दे दें और वो पूछें कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे और आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि आपको इन मिनट्स में या फिर इस टाइम में आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो उसके लिए आप UX चैलेंजेस ले सकते हैं, गूगल पे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। गूगल पे अगर आप डालेंगे UX चैलेंजेस या फिर ये डालोगे तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स मिलेंगी सॉल्व करने को। उनमें से आप कोई भी उठा सकते हैं और आप अपने आप को एक टाइम असाइन कर सकते हैं कि मुझे आधे घंटे में ये डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कि सॉल्व करना है मीन्स कि आपको एक अप्रोच तैयार करना है कि इस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगी या करूँगा। तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही हैं इंटरव्यू में। आपको कोई भी सिनेरियो दे देते हैं और टाइम दे देते हैं और आपको ऑन द स्पॉट एक अप्रोच तैयार करना होता है कि कैसे उसको आप सॉल्व करोगे। थर्ड क्या होता है कि आपको जो है कम्युनिकेट करना है क्लियरली। जो हम UX डिज़ाइनर्स हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मींस जब भी आप अपने रिक्रूटर को या फिर अपने इंटरव्यूअर को अपना थॉट प्रोसेस या UX प्रोसेस जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली करना है, क्योंकि हमें हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रखनी होती हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ता है, जैसे कि डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स, तो हमें काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, बिकॉज उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके रिक्रूटर आपसे थोड़े से मतलब हो सकता है उनको अच्छा ना लगे और हो सकता है वो इसलिए आपको रिजेक्ट कर दें। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। अब जो सिक्स्थ है उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप अपना UX प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर अपनी डिज़ाइन या फिर अपना केस स्टडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको अपने इंटरव्यूअर को ऐसे शो करना है कि आप यूजर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, हमें उनके हिसाब से ही
जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करने होते हैं। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है यूजर साइकोलॉजी की एंड आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो अपनी डिज़ाइन बनाते टाइम, और आपकी जो डिज़ाइंस हैं वो आपके यूज़र के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करती है, ये भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको खुद को यूएक्स यूआई करंट ट्रेंड से अपडेटेड रखना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको पूछ ले इंटरव्यू में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और कौन कौन से डिज़ाइन टूल्स यूएक्स डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं। और आपको बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, जिसमें कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे आप चैलेंजेस हैंडल करते हो किसी भी टीम एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए भी आपको खुद को रेडी रखना है कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप चैलेंजेस को हैंडल करते हो इन अ टीम एनवायरनमेंट। अब लास्टली, जब आपका इंटरव्यू पूरा हो गया है तो आप उनसे कुछ थॉटफुल क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं या उनका टीम स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं या कैसे प्रोजेक्ट्स वो करते हैं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उस अपॉर्चुनिटी में, और इसको आप इंटरव्यू के एंड में पूछ सकते हैं। लास्टली, आपको पैशनेट रहना है जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स यही देखते हैं कि जो जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितने पैशनेट हैं यूएक्स डिज़ाइन के लिए और वो कितना ज़्यादा पैशनेट हैं ग्रेट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए यूज़र्स के लिए। तो आपको थ्रू आउट द इंटरव्यू बिल्कुल कॉन्फिडेंट और पैशनेट रहना है जब भी आप अपना यूएक्स और डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो मैं अब मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।